लॉकडाउन के दौरान गरीबों असहाय निराश्रितों को भोजन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए कम्युनिटी किचन से अब तक लगभग 3 लाख लोगों को ड्राई फ्रूट यानी राशन सामग्री का पैकेट दिया जा चुका है। इसके अलावा हजारों परिवारों को राशन भी दिया गया है जो 7 से 10 दिन के लिए था। इसके अलावा पात्र लोगों को दोबारा भी राशन दिया गया है। कम्युनिटी किचन में सड़क पर घूम रहे आवारा पशुओं जानवरों को भी भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है जिससे उनका मानसिक संतुलन ठीक रहे। जिसके संबंध में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट IS अनुभव सिंह ने बताया कि जन सहयोग से लोगों में राशन का वितरण किया जा रहा है। अभी तक शासन से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं लेनी पड़ी है, सिर्फ शासन के द्वारा इसका वितरण कराया जा रहा है। बुधवार को अक्षय पात्र फाउंडेशन ने भी कम्युनिटी किचन में पहुंचकर लोगों के लिए राशन के पैकेट दान किए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट IS अनुभव सिंह ने कहा क्या क्या डोनेट किए हैं आप यहाँ? इसमें ग्रोसरी किट्स है सर। ग्रोसरी किट्स में एक परिवार का 21 दिनों का लगभग भोजन है जिसमें आटा है, चावल है, चीनी है, 5 तरह के मसाले हैं। कितने लोगों के लिए हो ये? 2 लोगों के 21 दिनों का भोजन है जी। ये ड्राई है कि बना हुआ? सूखा भोजन है, इसे वो अपने पास अपनी सुविधा अनुसार पका सकते हैं जैसे उनकी ज़रूरत हो। इसके द्वारा ये दिया जा रहा है? ये अक्षय पथ फाउंडेशन और श्री नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के फाउंडर हैं उनके द्वारा ये जनता को प्रोवाइड कराया। क्या मकसद है इसका? जिससे कि कोविड के अंतर्गत लोगों को बाहर निकलने की ज़रूरत ना पड़े। जो ज़रूरतमंद लोग हैं डेली बेसिस पर अपना खाना कमाते थे और पकाते थे, उनको ये दिक्कत ना आने पाए, वो किसी तरह की दिक्कत से बचे रहें, इसलिए उनको ये घर घर पहुँचाया जाएगा जिला प्रशासन द्वारा। क्या नाम आप? मेरा नाम विक्रांत। अन्य राज्यों के हैं, अन्य जिलों के हैं, या ऐसे इनके पास किसी तरह से राशन कार्ड नहीं है। ऐसे ना रिकॉर्ड करते हैं आप? देखिए अभी तक करीब 1 लाख लोगों को पैक्ड फूड पैकेट्स जा चुके हैं जब से कम्युनिटी किचन का शुरुआत हुआ है तब से। उसके अतिरिक्त कम से कम हजारों परिवारों को राशन अलग अलग टाइम पे लगभग डेली के हिसाब से 150-200 का एवरेज परिवारों को राशन जाता है। तो एक राशन का सेट जो है किसी परिवार के लिए 7-10 दिन के लिए पर्याप्त होता है। और अगर वो परिवार दोबारा हमसे फ़ोन करके बोलता है कि हमारा राशन खत्म हो गया, और वो पात्र वास्तव में होते हैं राशन के, उनके पास अन्य कहीं से कोई व्यवस्था नहीं होती है, तो हम उनको फिर से प्रोवाइड करा देते हैं। कितना सहयोग मिल रहा है सामाजिक संस्थाओं? देखिए सब जन सहयोग से ही हो रहा है। अक्षय पात्र ने आज करीब 250 राशन पैकेट्स डोनेट किए हैं। इससे पहले जो शहर के तमाम उद्यमी हैं, संभ्रांत नागरिक, उन्होंने डोनेट किया है। तो जन सहयोग से ही चल रहा है। इसके अलावा कोई व्यवस्था अभी हमें सरकार से सहयोग लेने की सीधे ज़रूरत नहीं पड़ी है, वो तहसीलों के माध्यम से सरकार चला रही है, जो चला रही है। यहाँ पर सब जन सहयोग से ही हमें राशन मिला है, बस उसका वितरण सरकार के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से पात्र लोगों तक किया जा रहा है। दिन से कम्युनिटी किचन की शुरुआत हुई है उसी दिन से VC GDA सर का निर्देश था कि जितने भी आवारा पशु हैं सड़कों पर हैं या कहीं भी हैं, उनको भी इस प्रोग्राम के तहत फीड किया जाए, क्योंकि अन्यथा वो भूख में या तो उनके अंदर पागलपन के दौरे आ सकते हैं या तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो उसके लिए हमें जो है ब्रेड, रस्क, बिस्किट्स, और अगर खाना हमारे पास बच जाता है जो डिलीवर नहीं होता है या कहीं उस दिन ज़रूरत नहीं पड़ती है, खाना हमारे पास बच जाता है तो उसको हम गायों में, कुत्तों में और बंदरों को भी फीड करते हैं। उसमें जंगल तक से लेकर जहाँ भी इकट्ठा पशु होते हैं उन्हें वितरित किया जाता है। इसीलिए आपको अभी भी सड़कों पे जानवर कहीं भी पागलपन की स्थिति में नहीं दिखेंगे, क्योंकि उनको खाना रोजाना खिलाया जा रहा है।